दर्शक बंधु बर्तमान न्यूज रूम लाइव रे आमे विषय वस्तु रखिछु जे केबे लिभिबो जंगल निया एथिपाई कहछु जे वर्तमान राज्य रे बनाग्नि देखिबा को मिलिछि। राज्य रो अधा जंगल रे वर्तमान निया जळुछि एवं जहां 10 दिन रु ऊर्ध हो गेलानी किंतु ना निया लिभिबार ना धरुनि बा निया लिभाइबा पई वर्तमान वन विभाग संपूर्ण फेल मारिछि एवं विभिन्न सैटेलाइट रे मध्य जेतेबेले ऊपर देखा जाउछि जे अनेक अंचल केवल गोटे अंचल नुह अनेक अंचल रे जोठी कि यदि देखिबा सिमिलपाल रे निया लागिबा परे कुलडिया रे लागिथिला एवं ता परे घुमुसर वनखंड रे मध्य अनेक जंगल वर्तमान निया रे जळुछि एवं सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे वर्तमान ए जो अग्निकांड घटिछि बा वनाग्नि घटुछि ये वनाग्नि रे जतेक औषधीय गुण रही जो गछ गुड़िक औषधीय गुण से गछ गुड़िक नष्ट हेबा सह जो माने वन्य जीवजंतु रही से माने मध्य वर्तमान कोठिना कोठि जदि देखिबा हंतसंत होउछन्ति एवं जीवजंतु माने मध्य वर्तमान एवं जैव विविधता सब किछि विपद रे रही। तबे जंगल जेतेबेले आमे कहुचे एवं सरकार सबबेले जंगल को सुरक्षित रखिबा पई विभिन्न प्रकार योजना करुछन्ति किभली ताकु सुरक्षा दिया जाय परबो एथिपाई स्वतंत्र विभाग रहिछि किंतु एठी प्रश्न उठुछि जदि निया लागिला ताहाले आज पर्यंत जो अल्प परिमाण रो निया लागिथिला ताकु काही के आयत्त करा गई जाय पारिला नाही फळरे आज 10 दिन रो ऊर्ध समय बितिथिले मध्य वर्तमान सुधा निया लिबिबार ना धरुनि एवं संपूर्ण भाव में वन विभाग विफल होइछि निया को आयत्त करिपारे। तबे एने वर्तमान आम सहित मयूरभंज रु जोड़ी होछन्ति आम प्रतिनिधि सेठाकर स्थिति कौन अच्छी जानवापी मयूरभंज रु जोड़ी रंजन दास। रंजन वर्तमान मयूरभंज कौन स्थिति रही जंगल कारण आम जी जाने 10 दिन रु ऊर्ध समय हो गला आज पर्यंत निया को आयत्त करा जाई पारुनी। निश्चित पक्ष चिन्मय देखु विश्व प्रसिद्ध सिमिलिपाल एवं कहवाकू गले संकट में पड़ी विभिन्न प्रकार कहुपे जमीक जो विश्व सिमिलिपाल रही सिमिलिपाल पर्याप्त व्यापक अंचल घेरिक रही तेरे एठारे गोटे प्रश्न आसुच्चे बर्तमान जमी कहुपे जो अग्नि अच्छी ये गोटे पहाड़ आउ गोटे पहाड़ डिया मार लगी तेरे सीधासख गोटे कथा कह कहे जे बर्तमान संपूर्ण सिमिलिपाल अनेक स्थान अनेक स्थान आम गोटे बोली गोटे दुईट स्थान कहींपर ना अनेक स्थान में बर्तमान निआ लगिक रही आया के लिभव ए निआ लिभार होना धरूना बर्तमान पर्यंत वन विभाग ये निआ को लिभेबार असमर्थ रही तेब या नहीं बर्तमान विभिन्न जो मैंने अच्छा स्वेच्छासेवी संगठन मैंने लिभे कार्य लगिगले विभिन्न गाँ जो अच्छी पादेशर गाँ गुड़िक बर्तमान लोक सका जाऊँगा लिभेबूँ विभिन्न प्रकार जमीक पुलिस प्रशासन कहु अग्निशम विभाग कथा कहु समस्ते बर्तमान निआ लिभेबा को लगी पड़ती तेब ये गोटे जहाँ जमापड़ी बर्तमान सिमिलिपाल गत काली चित्र आम देखा जे गत काली सिमिलिपाल अनेक अंश सिमिलिपाल दाऊ दाऊ करके जलुला जहाँकि राति स्पष्ट भाव में बारी हो पड़ूगा जे सिमिलिपाल केते दुखरे केते कष्ट अच्छी आम गहन में जड़े अतिथि अच्छा आम सीधा सड़क तुम्हें प्रतिक्रिया रखा कौन केमी के भाव में रही कौन कह सिमिलिपाल बर्तमान कमी परिस्थिति अच्छी भावुँ ना सिमिलिपाल विषय बड़ चिंताजनक पड़ी जोटा कि आमपाई गोटे गर्व और गौरव विषय हवा कथा सेटा बर्तमान आमपाई चिंता और उद्वेगर विषय हो पड़ी सेठी निया लगी केवल एटा राज्य नुहे देश नुहे सारा भारत पृथ्वी जानूँ ये कथा को आज नुहे प्राय मसे पाखापाखि हो गला निया जलुची मुझे ये कहना चाहे जे सिमिलिपाल एक्चुअली 2750 स्क्वायर किलोमीटर अंचल परिव्याप्त ता भितर हजारे स्क्वायर किलोमीटर हजारे वर्ग किलोमीटर माने एक तृतीयांशर अधिक अंचल बर्तमान ये अग्निर कोप प्रकोपर शिकार हो चेष्टा होपर्यंत सतोषजनक तार जो प्रतिक्रिया तार प्रतिफलन देखा मिलनी बास्तव में बड़ चिंतार कथा आम भावु गोटे नुआ भाव या देखा भी दरकार यहाँ अवश्य आमपाई नुआ कथा नुहे आगुरी अन्य वर्ष जले गरम समय एमती असुविधा हुए पुणी आसे ता निर्वापित है चली जाए विपद आसे आउ चली जाए कि यही इट इज बियंड प्रोपोर्शन इट हाज रिच्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन तेणु इट हाज बीन ए थ्रेट टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और अनेक भावुंत केवल मयूरभंज कथा नुहे द एडजोइनिंग एरियाज झारखंड वेस्ट बेंगल ओडिशार अन्य अंचल सबको यहाँ प्रभावित कर परिवेश को प्रदूषित कर सबकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर इट विल बी हार्म टू द ह्यूमैनिटी एवं इट विल बी कजिंग ए कलोसल लॉस टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एरिया तेणु आम भावु ये किसी अलग धारा अवश्य गोटे सकारात्मक दिग भी अच्छी गाँव गहर लोक ये बेचारा मैंने भावुँ काम से चेस्टा कर स्वेच्छासेवी मैंने लगी ऑल आर ट्राइंग मझे बाहर कॉलेज स्टूडेंट मैंने चेस्टा करु कथा आमर आमको ट्रेडिशन को बचाप टेक्नोलोजी को आदरवा दरकार आज देखा पड़े ऑस्ट्रेलिया धर के हेलिकॉप्टर
पानी वर्षा कर अमेरिका भी होती एक कथा ये जो वाइल्ड फायर ये सीभीयर फायर ये जो अनकंट्रोलेबल फायर ताकू कंट्रोल करने नियंत्रण को आने हेलिकॉप्टर रु जलसिंचन आवश्यकता रही बोधुए परवर्त समय एमती न हो फायर लाइन वाइड ट्रेंच व्हाइट ट्रेंचेस एक्रॉस द फॉरेस्ट विभिन्न एरिया रे चिंता करी इन कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स जदि ताकु करा जाई पारे दैट विल ऑल्सो डू ए ग्रेट गुड तार कोन होबो ना नियाट अंत तो व्यापी जीवन एबे तो पूरा भयानक भाव रे सबाडे व्यापी जाउची आ यार परिणाम प्रकृत रे बड़ो केमती को भाषा रे कहले माने कहियो बुझियोनी दिन पर दिन रे गड़ी गड़ी चली छी तार ताप उत्ताप प्रभाव प्रादुर्भाव प्रकोप सबु किछि सबाडे पड़िबो जेते जल्दी प्रशासन शासन सरकार समाज सचेतन हे कि पचारतु जे वास्तविक भाव रे जेते बेले सैटेलाइट माध्यम रे आमे देखि पारु छे जे केउ केउ जागा रे निया लागि छि ताहाले ताकु किबोली लिभा जाय परिबो से टेक्नोलॉजी काहे कि आमे अप्लाई करू नै आज पर्यंत एते विलंब कहि कि निश्चित पक्षे चिन्मयी मु आउ जन को मध्य रखिबी आउ जन अतिथि आम गहणर अछंती जे कि सिमलीपाल को तन्न तन्न करी देखिछंती सिमलीपाल रो कोण अनुकोण सहित जड़ित अछंती तांको सहित आमे कथा रखिबा तांको भी मध्य प्रतिक्रिया रखिबा जे किभली भाबरे गतकाली से मध्य सिमलीपाल को जाइथिले आउ जो नियालिभा कार्य रे नियोजित थिले एवं जो सिमलीपाल रो जो जो जागा निया लागिछि सेई सब जागा को से जाई कि परखिथिले किभली भाबरे नियालिभिबो केमिति लोकन को सेठार नियोजित करा जिवो समस्त विषय रे से आलोचना करथिले तबे सीधा सळक आमे तांको प्रतिक्रिया आज्ञा गोटे कथा कहतु बर्तमान जितेबाला एत दिन हो गला निया बर्तमान पर्याप्त मात्रा चली निया लिभेवा आउ कौन कौन नुआ नुआ आयोजन कर सरकार एथेर कौन दृष्टि देवा उचित बोली आपण माने करछन देखंतु प्रथम आम जानवा दरकार जे सिमलीपाल भौगोलिक स्थिति बा अवस्थिति को प्रकार सी जो भंगील पर्वतमाला आंडुलेटेड टेरेन बा हिल सेठी अन्य कौनसी प्रकार जंत्रपाति नहीं कि आप गाड़ी फाड़ी फायर ब्रिगेड नहीं कि काम करवाटा मिछ कथा संभव नुहे केवल मनीष द्वारा हो पार तो बर्तमान गत काली जो मु सिचुएशन देख ली भैरव खाल भंजबसा असुर खाल मारवाड़ी बंद जो कि पूरा मेघासन जोटा आम मुंड हिल टप पूरा सिमलीपाल टप तार पादेश अलरेडी निया पहुँची सारी जोटा कि कहुए पारे मेघासन जे कि अच्छी सारा भारतवर्ष गोटे द्वितीय उच्चतम श्रृंग कह अत्युक्ति हम ना हाँ हाँ से सिमलीपाल मौड़मणि सी मेघर आसन तार पाद पाखे अलरेडी निया पहुँची सारी तो गोटे जगार देख ली भैरव खाल असुर खाल पाखे विगत तीन चार दिन है गाँ लोक कहवा अनुसार तीन चार दिन है निया जलुची से पहुँची पारिना मु अवश्य पीसीसी वाइल्ड लाइफ को से स्पॉट रु ही फोन करके अवगत करी राति साढ़े दसटा दसटा बेलू मो कह कथा है ये तो बर्तमान दायित्व अधिकारी अवहेलाई आज यही अवस्था भोगुची सरकार भी आउ मयूरभंज जनसाधारण भी आउ मुख्यतः सिमलीपाल छुआ सब बहुत कष्ट वर्तमान मु आह्वान करी आ सरकार को अनुरोध करी से कोर एरिया फोर एरिया छाड़ू मेन पावर आमको दरकार जदि कौन स्वेच्छासेवी चाहूंटी विभाग सह मिसिकी कोर एरिया रे भी निभापी सी समस्त को एलाउ करूँ प्रथम बंची थे कि कोर बफर तुम्हें कौन कर आग जीवजंतु आ गपत को बचेबार अच्छे बड़ बड़ गच्छ भी कल तीन टा जलुला देखी तो टी आगु जो बंधु कहले जे हेलिकॉप्टर ये करवा कथा से कहले सी अवश्य प्रपोज कले हेलिकॉप्टर रे आमर एटा निया लिभा जाई पारिबोनी ता कारण है मु आगथर भी कही निया दुई प्रकार ग्राउंड फायर और क्राउन फायर क्राउन फायर टा हेलिकॉप्टर पानी स्प्रे कले ऊपर पानी पड़ो लिभिज तौकू पाटा पहुँचबनी आमर एटी जो एटका केनोपी जो डाल प्रशाखा एत गहल बड़ बड़ गचर पानी पहुँची पार्बनी तो मनीष द्वारा लिभेवा एयर ब्लोअर द्वारा फायर लाइन करवा जिते आहरी बहुत अधिका दरकार होयर ब्लोअर काल सब एरिया कवर कर और अनुरोध कारण आप देखिथे गत काली
महाराणी जेमा संयुक्ता बसा माने आम घर झीओ सरकार जदि तांकर माने जेतिकि सिस्टम रे अछि सेतिकि को नहीं कि जदि खुशी हो जाते ताले सही खुशी भितर ही सिमलीपालटा सरी जाइथिबो। निश्चित पक्ष चिन्मय देखंतो जेमति कि प्रतिक्रिया रखुतले भाई प्रतिक्रिया रखुतले जे सिमलीपाल वर्तमान सिमलीपाल जो परिस्थिति आछि सिमलीपाल रे जो वर्तमान नियार जो चपेट आछि निया जेमति ग्रास कर सारा सिमलीपाल आउ से सिमलीपाल रो परिस्थिति जहाँ है वर्तमान ताको केबे निया लिभिबो ता वर्तमान निश्चय सरकार गुटे योजना आनिबा दरकार सरकार पक्ष वर्तमान जदि देखिबा हुएत बन्य जो विभाग अधिकारी रही अवहेलारु आज ये परिस्थिति सृष्टि होइछि किंतु समस्तंकर वर्तमान सामना को बा आगो को आसिबार आवश्यकता रही जो कथा आप कहते जे अतिथि जी आम सहित जोड़ी हुई थे जे पूरा सिमलीपाल जंगल सहित जे पूरा परिपूरक भाव जड़ित से प्रतिक्रिय कहते वास्तविक भाव में कौन से टेक्नोलोजी जो कथा कहते अग्नि दुई प्रकार गोटे ग्राउंड गोटे क्राउंड आदि ग्राउंड में अग्निकाण्ड घटू तालोले केवल मनुष्य मान द्वारा ही लिभा जा पार जो अधिक लोकंर आवश्यकता रही है और सरकार वर्तमान ए दिगरे अलाउ कर आवश्यकता रही है। परवर्त समय हे तो आप फेर कि वर्तमान जावा बलांगीर तरुण साहू आम सहित जोड़ी होती तरुण वर्तमान बलांगीर जंगल गुड़िकर चित्र कौन सामना को आसूँ के दूर निया को आयत्त कर देखु चिन्मय गत दुई दिन है बलांगीर जिले में पखापाखि पांचटी जो जंगल रही सहर पाखरे जो जंगल गुड़ाक रही हाथी पहाड़ कथा कहतु सुनिया पहाड़ कथा कहतु मठपाई खाई पहाड़ कथा कहतु ए सब जंगल बीजा खमन एसबू पहाड़ गुड़िक निया लगे व्यापुची निया लगवा फल जो जंगल रही जंगल रो गुड़िक नष्ट सांगे जो प्राकृतिक रही जिनस गुड़ाक औषधीय वृक्ष रही पाखापाखि बड़ बड़ गुड़िक जलीपोड़ी पाउँस होती निया लगे सुधा जो वनरक्षक वन कर्मचारी मैंने रही से निया लिभाइवाई सामान्यतम उद्यम करुनवा अभोग होदी देखा जे एत गुड़िए जंगल एका सांगे किभली निया लगला निश्चित भाव में क्यों लोक जो दुर्बृत्त मैंने यहाँ उद्देश्यमूलक भाव में निया लगे बोली अनेक गाँव रोके अभियोग करापूरी घटना को देखिले जेहेतु सिमलीपाल भयंकर अग्निकाण्ड लगी से निया लिभाइवा उद्यम करयत्त करूँ बलांगीर जिले में निया को आयत्त करवा तो दूर कथा जो अधिकारी मैंने रही घटनास्थल परिदर्शन करते लगी जगह को जीवा एपर्तंत जाना फल जो निरे जो जंग सतटा जंगल में निया लगी धीरे धीरे वर्तमान पूरा जंगल को व्यापार लगी फल जो जंगल जीवजंतु रही बासबर जो जीवन प्रति गोटे प्रकार विपद सृष्टि होती कहीं जंगल में निया लगे सामान्य जो जीवजंतु विपद सृष्टि होता है जीवन प्रति सेनेक मृत्युवरण करते जो निने कड़े जापारे ना फल जो बलांगीर जिले में जो भाई भाव में पहाड़ गुड़िक जंगल गुड़िक व्यापुची निश्चित भाव बलांगीर जिले तापमात्रा वृद्धि पाँच यहाँ निया लिभाइवाई सामान्यतम उद्यम कराऊ नहीं कहीं जदि देखा जंगल जलिले साधारणतः तापमात्रा वृद्धि पाई है जैव विविधता नष्ट होता है और पूरापूरी जंगल को गोटे प्रकार छारखार कर दे जाए आउ जदि गोटे जंगल जंगल में निया लगे घटना को भितरी कथा रोचे जे जंगल विभाग तरफ प्रति वर्ष जो केन्दुपत्र तोलाली गटा कर गछ काटा फल सरकारी तहबिलु अर्थ खर्च कर किंतु जदि देखा जे सामान्य निया लगे से गछ गुड़िक जो आवर्जना गुड़िक जंगल जो कटा गछ गुड़िक जलीपोड़ी पाउँस हो जाए जो आगामी दिन में जो केन्दुपत्र तोलवाई से सहज होता है क्यों क्यों जंगल प्रायत जो वनरक्षी वन कर्मचारी उद्देश्य जाणतरे जंगल में निया लगवा अभियोग आसूला किंतु वर्तमान जदि देखा जे राज्यर गोटे बड़ अभयारण्य जोटा सिमलीपाल अभयारण्य निया लगे निया न लिभाइवा राज्य सरकार जो उद्देश्य बा जो मनोबल सेठी परिलक्षित हेउ नै फल जो गुटिया परे गुटिया राज्यर अनेक जंगल ने निया लागि जदि देखिबा पूरा घटना को वन्य विभागर निहाती अवहेला पई आज परिस्थिति आउ आज मध्ये विफल होईछि वन विभाग जे निया को आयत्त करिबारे जोथि पई कि आज अनेक जैव विविधता सहित पशु बा वन्य जंतु माने वर्तमान विपद रे रहिछन्ते। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपनकर समस्त सूचना पई। तबे दर्शक बंधु वर्तमान नीलगिरी अंचल रे जो भाई भाव में मध्य जंगल गुड़िक निया लगी से संपर्क में अधिका सूचना दौरान आम प्रतिनिधि प्रियनाथ बेहरा किभली रही बर्तमान जो निया लगी आपन देखुं दु दिन धरिकी तीन दिन धरिकी कोना कुलडिया अभयारण्य जलुची कौन कहे कमी आपड़ अच्छा बहुत दुर्दिन आम रोचु जो
ଗରମ ହାବାଟା ଆସୁଛି, ସେ ଗରମ ହାବାରେ ଆମେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆହାର ଇଏ କରୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତରୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଘର ପାଖର ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନିଆଁ ନିଭା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ଭାଲୁ ଜନ୍ତୁ ଭାଲୁ ନ ଏଇଟା ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଲିଭେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଜଳୁଛି, କୁକୁଡ଼ିଆ ଜଳୁଛି, ତିନିକୁଶିଆ ଜଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିକୁଶିଆ ବି ଜଳୁଛି। ସାପ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଯାଇକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଭାଲୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲେଣି, ସେ କଥା ବି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ କମିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆଜି ମିଟିଂ କରିବା କି କୌଣସି ବସିକି କେମିତି ନିଆଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କିସ କରିବା ତାହା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଝାଟିଟା ଆଣୁଛୁ, ଦାନ୍ତକାଠିଟା ଆଣୁଛୁ, ସିଏ ଆରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛୁ। କେତେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବେପାରୀ, କେତେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କହିପାରିବ କି, ରେଞ୍ଜର କହିପାରିବେ କି, ଡିଓପ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି ଏତଲା ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଖଟିଖିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇମାନଙ୍କର ଅଛି। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ, କେମିତି ପଡ଼ୁଛୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆଟେ ଅଛି, ଦେଖିବେ କେତିକି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେତିକି ସିଗାରେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, କେତିକି ଥାଳି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପରିବେଶ? ଏଇଠୁ ଏଇ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ରହିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ। ମୁଁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସରକାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସାପଟେ ଧରି ଆଣିଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ, ଭାଲୁଟେ ଧରି ଆଣିଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼େ କଡ଼େ ତାର ବାଟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ବି ସୁରକ୍ଷିତ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜଙ୍ଗଲ ବି ସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିଦେଲେ ହାତୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚର ନାଁ ନାହିଁ, ପୂର୍ତ୍ତିକି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହୋଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରହସନ, ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଏହାଫଳରେ ଆମେମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ କେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ ଗଛ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଟାଉନ୍ରେ ଯେତିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ କରନ୍ତି, ଆମେ 50% କମ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ କରେ, କାରଣ ଆମକୁ ରାତିରେ ଏଠି ଶୀତ ଲାଗେ। ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଲଡ଼ିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଳୁଛି ତାହା କେବେ ଲିଭିବ ନିଆଁ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ନୀଳଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ, ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଏବଂ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରଞ୍ଜନ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବସିଲେଣି, ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ଏତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଲଟିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ନହେଲେ ଯୋଉ ଚୋରା ଆଣ୍ଡ ସହନା ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ କଥା ହଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛି ଯେ ଏବେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେଟା ଲେଟିଟ ବି ମାନେ ହେଇପାରେ, ଏଟା ଫୁଟିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଅର୍ ଦି କୋର୍ ଏରିଆ, ସେସବୁ ବାଛି ବିଚାର ନ କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ନେଟିଭ ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ନିଆଁର ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ଏତେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଆମର ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ କରାଯାଉ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉ, ଯିଏ ବି ନିଶାପର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଞ୍ଜନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅଣାୟତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ 10 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ
खूब शीघ्र माने जेते शीघ्र हो पार जो स्वेच्छासेवी संगठन गुड़िक रही जदि कौ मैंने चाहते बर्तमान निलिबा कार्य नियोजित होगापी से गुड़िक ध्यान दिंतु सरकार और खूब शीघ्र किभली न्याय को आयत्त करम कर आवश्यकता रही कारण जंगल ही सबुबले गछ ही आम जीवन एक मूलर ही जाचे और गछ जो नष्ट होटना कोटि अम्लजान सर्टेज पड़ो ये निहाती भाव में आमको मन रखार अच्छी कारण जो जंगल गुड़िक बर्तमान नष्ट होती अनेक साल पियासा गच रही जो साल पियासा गचर अम्लजान ही मनुष्य देह को आसी था आमठ अंगारकाम्ल से पाखक जाए कि जितेबाला जंगल गुड़िक नष्ट हुए तो आम मानी यह आगामी दिन में विपद सृष्टि करें समस्त अच्छी बर्तमान न्यूज रूम लाइव को ये रखु नमस्कार।